कर मैं हूं आपके साथ इंशान नेशनल टू 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। जिला प्रशासन द्वारा वर्ष भर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाता रहा है। इसकी उपयोगिता और लोकप्रियता को दृष्टिगत आज ग्राम चौपाल की पहली वर्षगांठ का भव्यता पूर्वक कलेक्ट्रेट परिसर में सभी विभागों के स्टॉल लगाकर आयोजित किया गया। वार्ता के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आए सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जाधव ने अपनी बात को भारत माता की जय के साथ शुरू किया। उन्होंने बताया कि अपनी सरकार आपके द्वार मिशन को लेकर गत वर्ष में लगभग 792 चौपाल आयोजित की गई। इन चौपालों में सरकारी अधिकारियों द्वारा विभिन्न योजनाएं, विद्यालयों की बाउंड्री वॉल, अमृत सरोवर, राशन की स्थायी दुकान, आंगनवाड़ी केंद्र, नरेगा योजना, 100 दिन का रोजगार, जल संरक्षण, मिनी स्टेडियम, 295 भवन पशुओं के लिए पेंट, वहीं 31 हेक्टेयर जमीन पर हरा चारा की बुआई, पीपीएल महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, 70 अस्थाई गौशाला, 24 टोल सड़क आदि का कार्य किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ठाकुर उदय प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख जसराना संध्या लोधी, ब्लॉक प्रमुख फिरोजाबाद डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव आदि जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गांव की समस्या गांव में समाधान योजना का एक वर्ष पूरा हो चुका है, उसका वर्षगांठ आज जनपद फिरोजाबाद में मनाया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय सांसद जी उपस्थित हैं और तमाम ब्लॉक से सभी ब्लॉक प्रमुख आए हैं, जिलाध्यक्ष जी उपस्थित हैं, सभी कुछ ग्राम प्रधान यहाँ पर उपस्थित हैं और जिनको सम्मानित किया गया है, कुछ हमारे पंचायत सेक्रेटरीज जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं उनको सम्मानित किया गया है और पंचायत सहायक जो अपनी भूमिका निभाते हैं ग्राम के विकास में उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि गाँव की समस्या को गाँव में ही समाधान कराया जाए। तो हर शुक्रवार को ये योजना चलाई जाती है और हर ब्लॉक में 2 ग्राम पंचायतों में ये चौपाल लगाई जाती है। तो उसके तहत ग्रामीणों की जो भी समस्याएं होती हैं हमारे जिला स्तरीय अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वहाँ पर उपस्थित होते हैं और उनकी समस्या को सुनकर उनका समाधान कराया जाता है। तो पिछले एक साल में लगभग 2100 समस्याओं का समाधान हम लोगों ने कराया है। साथ ही जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जैसे कि मनरेगा योजना, उसके तहत परिसंपत्तियां सृजित की गई हैं, लोगों को रोजगार दिया गया है। जो परिसंपत्तियां सृजित की गई उसमें अमृत सरोवर, स्कूलों की बाउंड्री वॉल, आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण, इसके अतिरिक्त विभिन्न कन्वर्जेंस के माध्यम से हमारे जो गौशाला का निर्माण किया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य परिसंपत्तियां जैसे चक्रोड, नाली, खड़ंजा इत्यादि का सृजन भी ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 16-17 से लेकर अब तक करीब करीब 15,000 आवास निर्मित किए गए हैं और बाकी के आवासों का निर्माण भी अभी चल रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पेंशन योजनाओं का भी लाभ, जो लोगों की समस्याएं आती थी उसके तहत वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना इत्यादि का लाभ भी लोगों तक पहुंचाया गया है। विभिन्न छात्रवृत्तियों के बारे में भी लोगों को जागृत किया गया है, उनके बारे में लोगों को बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप्स हैं जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। ग्रामीण सड़क योजना के तहत 24 सड़कें इस साल बनाई जा रही हैं जिसमें 4 FDR टेक्निक से, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्निक से भी बनाई जा रही हैं हमारे ग्राम में, इसके हमारे जनपद में। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाएं जो हैं उसका लाभ भी जनपदवासियों को पहुंचाया जा रहा है।